मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज सीधा लाइव हम आपसे बात करेंगे क्योंकि कई दिनों से लगातार क्लासेस चल रही थी और आप हमारी इन क्लासेस को देख रहे थे। हम बात करने वाले हैं आज मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार पर। अगर हमने आपने अगर हमारी पूरी श्रृंखला को देखा होगा तो आपके माइंड में अब एक पूरी तरह से एक इकोनॉमी का प्रोसेस डेवलप हुआ होगा कि बैंकिंग सेक्टर में किस तरीके से काम होता है। इसी बैंकिंग सेक्टर में रोज़मर्रा की या शॉर्ट टर्म की पेमेंट की ज़रूरत पड़ती होगी या लॉन्ग टर्म के पेमेंट की ज़रूरत पड़ती होगी। दीक्षांत गुड मॉर्निंग। अगर हम बात करें इसमें तो एक सिंपल सी बात अगर आपके सामने रखें तो यहाँ पर पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार वास्तव में एक ऐसा मार्केट है जो हमारे भारत के जितने भी वित्तीय संस्थाएँ होती हैं, फिर वो बैंकिंग हो सकता है, बीमा हो सकता है, फिर वो RBI हो सकता है जो भारत सरकार के तर्ज पर उधार लेने की बात करता है। ओवरऑल अगर हम सिंपल सी यहाँ पर बात करें तो इस टाइप के सवाल या इस टाइप की जो बातें होती है ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इसको समझने के बाद हम सब्जेक्टिव नेचर को भी बेटर तरीके से समझ सकते हैं या मौद्रिक नीति को अगर समझना है तो कहीं ना कहीं मनी बाजार को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले जिन लोगों को भी इसमें एडमिशन लेने में, सब्सक्रिप्शन करने में अनअकैडमी प्लस पर कोई दिक्कत आ रही हो या जो लोग अभी पहली बार मुझे देख रहे हो, मैं उन्हें फिर दोहरा दूं कि अनअकैडमी प्लस पर हमारे लाइव क्लासेस और हमारे साइंस और टेक का मेंस वाला क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। अगले महीने में हम जनरल साइंस इसमें स्टार्ट करेंगे, तो कंटिन्यूसली पूरे साल भर लगभग हम अलग अलग विषयों पर इसमें क्लास लेंगे। इसमें अगर हम बात करें तो अनअकैडमी प्लस पर अब एक पूरी टीम के साथ हम आ रहे हैं जो साल भर आपको PT और मेंस का कंप्लीट स्टडी कराएगा। साल भर आप इसमें पूरी तैयारी कर सकते हैं, अपने घर बैठकर ही आप UPSC का जो मटेरियल दिल्ली में मिलता था या कुछ जगह पर सीमित था, अब आप तक वो अपने आप पहुँचेगा। जहाँ पर आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर होते थे अगर आपको कोई अच्छा इंस्टीट्यूट ना मिले, वही क्वालिटी अब आपको यहाँ अपने घर पर मिल सकती है। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्योंकि वही लेवल, वही क्लास, वही क्वालिटी, वो भी घर पर, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। अगर हम इसमें बात करें तो आप देख सकते हैं कि कुछ टीचर्स का जो नाम है, जैसे मृणाल सर होंगे, रोमन सैनी सर होंगे। इसमें नया शुरुआत जो की गई है वो नई शुरुआत ये भी है कि अब आपको यहाँ पर टेस्ट की फैसिलिटीज भी होगी, तो वीकली टेस्ट के ऑप्शंस है। ये बायलिंगुअल होंगे, जैसे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो ये बायलिंगुअल होंगे। मैं अगर बात कहूँ तो ये बायलिंगुअल जो टेस्ट होंगे ये वीकली टेस्ट है PT और मेंस दोनों के लिए, जिसके लिए भी आपको कुछ अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये इसी में इंक्लूड होगा। अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मंथली सब्सक्रिप्शन इसका 7,000 होगा। अगर आप 3 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 17,500, मतलब वो मंथली 6,000 के आसपास लगता है। 6 महीनों के लिए अगर लेते हैं तो 28,000, मतलब लगभग 4,500 रुपये लगता है। अगर ईयरली सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 35,000 रुपये का होगा, जबकि जिन लोगों को एक लॉन्ग टर्म की स्टडी करनी है अगर वो 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यह फिर केवल और केवल 2,333 रुपये का होता है। लेकिन अगर आप इसमें मधुकर लाइव को यूज करते हैं रिफर कोड के रूप में तो आपको इसमें 10% ऑफ हो जाएगा, और 10% ऑफ होने के बाद आपको केवल 50,400 रुपीज़ ही पेमेंट देना होगा। तो एक बेटर ऑप्शन है। मैं बता दूं कि जिन लोगों को एक रेगुलर तैयारी करनी है, जिन्हें लगता है कि हाँ उनका टारगेट 2020 और 21 का है, उन लोगों के लिए एक बेटर ऑप्शन आ चुका है कि अब वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास अच्छे टीचर और हमारे पास अच्छे नोट्स या क्लास टीचर नहीं है, तो सारी चीज़ें अब आपके पास बेटर हैं। बिल्कुल नरेंद्र, अब हम लगातार यहाँ से कंटिन्यूअसली लाइव क्लास आपको देंगे। अभी तक हम प्रीमियर पर बात करते थे नरेंद्र, लेकिन अब यहाँ से लगातार लाइव क्लास होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि जो भी लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो इसकी शुरुआत जितनी जल्दी करेंगे आप अपनी तैयारी को उतना ही बेहतर कर पाएंगे। यहाँ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं जो बार बार दोहराता हूँ, बहुत मिनिमम चार्जेस है, ये बहुत मिनिमम चार्जेस है, और इस चार्जेस में इस लेवल का स्टडी होना बहुत मुश्किल होता है प्रेजेंट सिनेरियो में। जो बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पर यह है कि हर सब्जेक्ट के एटलीस्ट 2 से 3 एक्सपर्ट हैं, और अगर आपको लगता है कि एक एक्सपर्ट समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी फ्रिक्वेंसी है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सपर्ट को सेलेक्ट करके
तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम कहें तो अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो ये केवल और केवल 50,400 रुपए में पूरे दो साल तक सारे क्लास लेक्चर्स आपको इस प्लस पर मिलेंगे। डेली 30 आवर्स के क्लास लाइव क्लास होती हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हैं, 62 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स इसमें हैं। तो हम कह सकते हैं कि हर महीने में, जैसे कुछ लोगों का कहना यह है कि एक साल तक क्लासेस चलेगी, एक साल नहीं अब इसे लगभग 7-8 साल हो गए हैं, तो ये कोई नई संस्था नहीं है। मेरे जुड़ने के बाद ये जो बड़ा परिवर्तन हम चाह रहे थे कि हिंदी मीडियम के लिए कुछ बदलाव हो, वो ये उसी श्रेणी का हिस्सा है। बिल्कुल इसमें नोटिस भी मिलेगा, पीडीएफ भी मिलता है, सारा कुछ रहेगा इसमें उमाकांत, सारी चीज़ें जो हम जैसे क्लास में मटेरियल मिलता है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। तो आइए आज शुरुआत कर रहे हैं मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार पर। जैसे कि हमने शुरुआत में आपको बताया कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये हम समझ लेते हैं कि ये जो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार होता है ये है क्या। तो अगर मुद्रा बाजार की अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ तो मुद्रा बाजार का मतलब आप कहेंगे कि लघु अवधि के लिए ऋण की उपलब्धता, लघु अवधि के लिए ऋण की उपलब्धता। और लघु अवधि का मतलब एक वर्ष से कम, 365 दिनों से कम, 365 दिन मतलब आखिरी 364 दिन हम कह सकते हैं। तो जहां लेन देन 364 दिनों में पूरा हो जाता है हम उसे कहते हैं कि वह मुद्रा बाजार का हिस्सा है। देखो इकोनॉमिक्स की किताबों में और बाकी चीजों ने इसे बहुत जटिल कर दिया होगा, एक सामान्य सी बात हम व्यवहारिक चलते अपने ऊपर लेते हुए कि हमें दिन प्रतिदिन के खर्चे में कोई भी अगर पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसी सिचुएशन में हम जो भी अल्पावधि के लिए किसी से उधार लेते हैं, अपने फ्रेंड से उधार लेते हैं या किसी और से उधार लेते हैं, तो वो कहलाएगा कि आप अपने मनी मार्केट में पैसे उधार लेने की बात कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट टर्म मनी होता है ऑब्वियसली यहाँ रिस्क कम होगा, रिस्क इसलिए कम होगा क्योंकि एक साल के अंदर ही सब कुछ होने वाला है, पर इसमें रिटर्न थोड़े से कम होते हैं। पर ये पूरे के पूरे बाजार में जो विनिमय हो रहा है बहुत ही थोक स्तर पर होता है, बहुत ही बड़े स्तर पर होता है। अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे बताते चलिएगा। तो मुद्रा बाजार की अगर मैं बात करूं तो लघु अवधि मतलब 365 दिन से कम, आखिरी लेवल है 364 दिन। और इस मुद्रा बाजार में भारत सरकार, हमारी देश की वित्तीय संस्थाएं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं मुद्रा बाजार से। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी परिभाषा। पहले तो मुद्रा बाजार अल्पकालिक धन के लिए एक बाजार है, यहां पर ध्यान देना है कि अल्पकालिक धन के लिए बाजार है। हम अल्पावधि का 364 दिन या उससे कम अवधि के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हर शब्द पर ध्यान देना, अल्पकालिक का मतलब लिया जाएगा 364 दिन या उससे कम दिनों को हम यहां पर अल्पकालिक की चर्चा के रूप में रखेंगे। दूसरे शब्दों में उधार और चुकौती 364 दिन या उससे कम समय में होती है, मतलब आखिरी 364 दिन हमारे पास होंगे इस उधारी को चुकाने के लिए। मतलब 364 से जैसे ही ज्यादा हुआ तो हम कहेंगे कि फिर वो हमारे मुद्रा बाजार का लेन देन नहीं है, वो किसी और का हो सकता है। तो इन अर्थशास्त्रियों ने जो एक साल के शॉर्ट टर्म वाले ऋणों के अदायगी और लेन देन होते हैं उन्हें मुद्रा बाजार कहते हैं। पर ये ऋण हम कोई कस्टमर नहीं ले रहे हैं, मतलब ये व्यक्ति से नहीं लिए जा रहे हैं, ये पूरे के पूरे बड़े होल मार्केट की बात है, ये पूरे भारत की बात है जहां पर बैंकें और बाकी संस्थाएं अपने रोजमर्रा की आवश्यकता को पूरा करने की कमी दूर करती होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ICICI के पास बहुत ज्यादा लोग ऋण लेने आ गए और उसके पास उतना पैसा जमा न हुआ हो, तो ऐसी परिस्थिति में वो RBI के पास जा सकता है अल्पकालिक ऋण के लिए रेपो रेट के तहत, या फिर वो अपने किसी सहयोगी को फोन लगा सकता है, HDFC को फोन लगा सकता है और कह सकता है कि भाई मुझे ऋण की जरूरत है, क्या आप मुझे इसमें ऋण की अदायगी कर सकते हैं। इस टाइप की बात अगर हम इसमें समझें तो एक सिंपल सी बात यहां पर आपको समझनी है कि ये जो बैंकें होती हैं, ये जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, इनको जब अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है तो हम उसे कहते हैं कि वो मुद्रा बाजार का हिस्सा होगा। तो मुद्रा बाजार अल्पकालिक धन के लिए एक बाजार है, अल्पावधि का मतलब 364 दिन या उससे कम माना जाएगा। दूसरे शब्दों में 364 दिन में लेन देन खत्म होगा। इसमें कुछ शब्दावली यूज की जाती है, वो कई बार पूछी जाती है, जैसे कि कॉल मनी।
कोई पूछे कि कॉल मनी, तो ऐसा मनी जो लेस देन वन डे, जो एक दिन से कम दिनों के लिए मांगा जाता है। जैसे मान लो कि आईसीआईसीआई ने एसबीआई से जो पैसा मांगा वो एक दिन से कम दिनों के लिए है, तो हम उसे कहेंगे कि वो कॉल मनी माना जाएगा। तो कॉल मनी जिसका टाइम पीरियड जो एक दिन में 24 घंटे में जिसका निपटान हो जाता है, 12 बजे पैसा मांगा गया, शाम को 6 बजे दे दिया, या मान लेते हैं कि दोपहर में 4 बजे मांगा गया, अगले दिन 3 बजे दे दिया गया, तो जो 24 घंटे में लेन देन कंप्लीट हो जाता है उसे हम कहते हैं कॉल मनी। दूसरा नोटिस मनी, अगर उस पैसों का लेन देन 2 से 14 दिनों के लिए होता है तो उसके लिए हम शब्दावली उपयोग करते हैं नोटिस मनी, कि वो नोटिस मनी है। नोटिस मनी का मतलब लिया जाएगा कि वहां 2 से 14 दिन में वह जाएगा और वापिस लौट कर आ जाएगा। और तीसरा होता है टर्म मनी। टर्म मनी कहा जाता है 15 से 90 दिनों के लिए, कि जहां 3 महीनों में आप टर्म मनी के तहत पैसों का लेन देन पूरा कर लेते हैं। ये जो मुद्रा बाजार है ना, ये बहुत ही असंगठित प्रकार का बाजार है। असंगठित मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है। जैसे समझिएगा, जैसे हमारे यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, वहाँ पर दलाल होते हैं, चीज़ों की नीलामी करते हैं, फिर वहाँ पर शेयरों की नीलामी के बाद उसकी कीमत तय होती है। यहाँ ऐसा कोई नहीं। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब हुआ कि इसकी कोई संस्था नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से हम नहीं कह सकते हैं कि एक नियमित प्रतिदिन इसी टाइम पर ये काम होगा। ये पूरे के पूरे हम कह सकते हैं कि कार्य अवधि के दरमियान कभी भी पूरा होने वाला काम हो सकता है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो पहला अंतर तो हमने देखा कि मुद्रा बाजार एक अल्प अवधि का बाजार है, 364 दिन या उससे कम समय में पूरा होता है। यदि यहाँ एक दिन से कम में ही पूरा लेन देन खत्म हो तो उसे हम कॉल मनी कहेंगे। यदि यहाँ पर 2 से 14 दिन में लेन देन खत्म हो तो इसे नोटिस मनी कहा जाता है, और यदि यहाँ पर 15 से 90 दिन में लेन देन खत्म हो तो इसे हम टर्म मनी नाम से जानते हैं। आइए समझते हैं फिर मुद्रा बाजार में कौन से लोग शामिल होंगे। तो मुद्रा बाजार में ये लोग शामिल होते हैं, क्या शब्दों पर ध्यान देना है आपको, बैंकें, वित्तीय संस्थाएं, बिल दलाल, पैसों के डीलर आदि का एक असंगठित क्षेत्र है। शब्द पर ध्यान देना है, मुद्रा बाजार असंगठित क्षेत्र होता है। असंगठित क्षेत्र होता है जिसमें अल्पकालिक वित्तीय साधनों पर व्यापार किया जा रहा है, को मनी मार्केट के रूप में जानते हैं। इन बाजारों को थोक बाजार के नाम से भी जानते हैं। तो यहां एक और चीज और समझ में आ गई, इसमें दो नए शब्द हमें मिल गए, असंगठित बाजार है और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि इन बाजारों को हम थोक बाजार के रूप में भी जानते हैं। थोक बाजार क्योंकि यहां ह्यूज अमाउंट में पैसों का लेन देन होता है। हम कहेंगे कि हो सकता है कि किसी एक बैंक से दूसरे बैंक में 200 करोड़ रुपए 24 घंटे में आए और चले गए। ये 24 घंटे में उस पर ब्याज भी लेगा, ये कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो यह मुद्रा बाजार अल्पकालिक अवधियों को, अल्पकालिक आवश्यकताओं को पूरा करने वाला बाजार होता है। फिर ट्रेड क्रेडिट, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट मतलब किन चीजों की बिक्री करके हम पैसों की उगाही कर सकते हैं। तो ट्रेड क्रेडिट्स, कमर्शियल पेपर, सब देखेंगे कि क्या होता है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स, ट्रेजरी बिल, ये इंस्ट्रूमेंट्स है। इसके इंस्ट्रूमेंट मतलब किनके द्वारा पैसों की लेन देन को पूरा किया जाएगा, किन चीजों के द्वारा पैसों का लेन देन पूरा किया जाएगा। वे प्रकृति में अत्यधिक तरल है, इनकी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है। लिक्विडिटी मतलब, लिक्विडिटी का मतलब ये होता है सिंपल सा कि आप इसको अभी के अभी पैसों में बदल सकते हैं। तो ये बहुत अल्प अवधि के है ना, जैसे एक दिन का ही है तो भाई आज का ही टेंशन है, कल तो ये वापस पैसे के रूप में आ जाएगा। मान लो कोई भी चीज अगर आपके पास थी वो एक दिन में पैसों में कन्वर्ट होने वाली है, तो तरलता बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है इसकी। और लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण, लिक्विडिटी ज्यादा होने के कारण यहां कम रिटर्न प्रदान करते हैं, कम रिटर्न प्रदान करते हैं, लेकिन काफी सुरक्षित हैं। इसमें सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, रिस्क बहुत ही कम होता है। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर बहुत सारा रिस्क घटने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग इस बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं। रिटर्न कम चल जाएगा लेकिन सिक्योरिटी यहां बहुत बड़ा हिस्सा है। बताए रिंकू, क्या दुख है, अभी हम ऑप्शनल पर कौन सा सब्जेक्ट ले, मैं चाहूंगा कि जैसे कि अभी रिंकू जी का सवाल है कि ऑप्शनल पे कौन सा सब्जेक्ट ले, मैं उस पर एक क्लास जरूर लूंगा, लेकिन शॉर्ट में बता दूं
कि सब्जेक्ट में आप तीन बातों को चुनिएगा, जो भी आपको सब्जेक्ट लेना हो, तो सबसे पहला मैं सजेस्ट करता हूं कि ऑप्शनल में आप उस सब्जेक्ट को चुनिए जिसका कंटेंट बहुत आसानी से अवेलेबल है और जिसमें आपको एक अच्छा टीचर मिल जाए, क्योंकि अगर टीचर और एजुकेटर्स अच्छा आपके साथ नहीं है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका वो सब्जेक्ट फिर बेटर नहीं हो पाएगा। दूसरा, उस सब्जेक्ट का जीएस में कुछ ना कुछ योगदान हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा, और साथ ही साथ उसमें इंटरेस्ट हो तो और भी बढ़िया हो जाएगा। तीसरा, अगर हम उसमें कहें तो यूपीएससी में उस सब्जेक्ट के ठीक ठाक मार्क्स आ रहे हो, इसे हम देख सकते हैं यूपीएससी के रिजल्ट के बेस पर भी। तो मैं ओवरऑल अगर एक बात कहूँ तो ऐसा ना सोचिएगा कि हमारा मैथ्स था तो हम मैथ्स ही ले लेंगे, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा। और जो भी नया सब्जेक्ट लेंगे घबराइएगा नहीं। एक सिंपल सी बात आप मुझसे ले लीजिए कि कभी एक ज़माने पर हम केवल और केवल केमिस्ट्री जैसे ऑप्शनल पेपर के बेस पर केमिस्ट्री विषय को जानते थे, लेकिन जब यूपीएससी में आए तो अब हम इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी को भी भली भांति जान लेते हैं। तो वो शिक्षक होंगे, वो टीचर होंगे जो आपको ये सब सिखा देंगे। तो सब्जेक्ट के टेंशन मत लीजिए, बस टीचर देख लीजिए, एजुकेटर्स ले लीजिए तो काफ़ी अच्छा होगा। आइए हम शुरुआत कर रहे हैं अपनी वापस बातों पर। अगर मैं कुछ पॉइंट के रूप में आपके यहाँ पर कुछ बातें नोट कराऊँ तो आप यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे पहला पॉइंट कि मुद्रा बाजार अल्पावधि का बाजार है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अल्पावधि, और अल्पावधि का मतलब 364 दिन तक, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा, हमने कहा है कि यहां पर थोक बाजार भी हम इसे कहते हैं, थोक बाजार भी ये कहा जाता है। तीसरा, हमने यहां पर आपसे कहा कि यहां नकदी या तरलता इसमें ज्यादा होती है, तरलता ज्यादा होती है। चौथा पॉइंट हमने इसमें कहा है कि यह असंगठित होता है। और पांचवा पॉइंट हमने यहां पर कहा है कि यहां रिस्क कम होता है। इन शब्दों पर ध्यान देना, ये सारे मुद्रा बाजार के कैरेक्टर है। अब अगर हम चर्चा करें इसमें तो एक और चीज आप समझ सकते हैं, मुद्रा बाजार एक अव्यवस्थित बाजार है और इसलिए व्यापार को स्टॉक एक्सचेंज से अलग रखा गया। ये कोई स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं होगा, ये कैसे होगा, फोन करके। आपका कोई बैंक किसी को फोन लगा देगा और कहेगा कि क्या करना चाहिए, ईमेल के द्वारा, फैक्स के द्वारा, ऑनलाइन, इन सभी चीजों को हम कहते हैं ओवर द काउंटर के द्वारा। मतलब सीधा हम इसमें डिमांड कर सकते हैं, इसमें हम मांग कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी बात अगर हम कहें इसमें, तो यहां पर जो लेन देन हो रहा है वहां कोई स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया असंगठित है। तो फिर कैसे होगा, आपके मान लेते हैं कि बैंक मैनेजर ने फोन लगाया कि भी हमें 50 करोड़ चाहिए, कॉल मनी है, कॉल मनी का मतलब एक दिन में वो लेन देन करने वाला है। तो फोन हो सकता है, ईमेल हो सकता है, फैक्स हो सकता है, ऑनलाइन तरीके से ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं ओवर द काउंटर। मतलब ओवर द काउंटर के द्वारा यहां पर सारी बात होती है। यह अर्थव्यवस्था में अल्पकालिक निधि के प्रचलन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और यह उद्योगों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो मनी मार्केट, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं, मुझे बताते चलिएगा। मनी मार्केट, मुद्रा बाजार का सामान्य अर्थ यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय संस्थाएं जब 365 दिन से कम अवधि में अपने लेन देन को पूरा कर देती हैं तो यह मुद्रा बाजार अर्थशास्त्रियों के अनुसार माना जाता है। मतलब अर्थशास्त्रियों ने इसका नाम मुद्रा बाजार रख दिया। हम गरीब लोग इतना समझ ले कि बस 364 दिन में जब लेन देन पूरा हो जाएगा वह मुद्रा बाजार कहलाएगा। और यह बड़े लेन देन है, बहुत बड़े लेन देन है, 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़, इस टाइप के लेन देन है ये। तो अगर हम आपके सामने सिंपल सी बात करें तो ये जो लेन देन होता है ये अल्पावधि का होगा, थोक बाजार के रूप में होगा, तरलता इसमें ज्यादा होगी, असंगठित होगा, रिस्क इसमें कम होता है, और यह जो काम किया जाता है फोन, ईमेल, फैक्स, ऑनलाइन, ओवर द काउंटर इन्हें कहते हैं, इसके द्वारा यह काम पूरा किया जाता है। तो अगर एक सिंपल सी बात हम कहें तो मुद्रा बाजार की ये परिभाषा आपको याद रखनी है। इसमें तीन और शब्द हमने आपको बताए। सबसे पहला शब्द मैंने आपको बताया कि कॉल मनी, एक दिन से कम के लिए, नोटिस मनी 2 से 14 दिन के लिए, और तीसरा टर्म मनी 15 से 90 दिन के लिए। मतलब 3 महीनों के लिए लेन देन किया जा सकता है। आइए अब हम बात कर रहे हैं इसमें
इसमें मुद्रा बाजार में प्रतिभागी कौन है, कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन लोग है जो ये मुद्रा बाजार बना रहे हैं, कौन लोग है जो मुद्रा बाजार में लेन देन कर रहे हैं, कौन है इस मुद्रा बाजार का जिम्मेदार व्यक्ति। तो हम कहेंगे इसकी कोई जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है, पर ये सारे लोग इस मुद्रा बाजार का निर्माण करने वाले लोग हैं, जिसमें आरबीआई। आरबीआई को क्या पैसा अपने घर बनाने के लिए चाहिए कि आरबीआई की कोई ऑफिस खोलने के लिए चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। वो भारत सरकार के लिए पैसा जुटाने का काम करेगी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत सरकार के लिए वह पैसा जुटाएगी, भारत सरकार के लिए वह पैसा जुटाएगी। दूसरा, कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हमने देखे थे पहली दूसरी क्लास में, वो सारे के सारे कमर्शियल बैंक यहां पर इन्वॉल्व होंगे। फिर वो प्राइवेट हो सकते हैं, फिर वो पब्लिक हो सकते हैं, विदेशी हो सकते हैं, सारे के सारे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। फिर कुछ और वित्तीय संस्थाएं भी इसमें शामिल है, जैसे कि बीमा कंपनियां इसमें शामिल है, म्यूचुअल फंड शामिल है, अर्ध सरकारी निकाय और बड़ी कंपनियां भी। बड़ी कंपनियों में हम कह सकते हैं कि निजी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं, और निजी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां। सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब पब्लिक सेक्टर की जो कंपनी होती है, जैसे भेल, या फिर आप लोगों ने जो जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र की हमारी कंपनियां, नवरत्न सुने होंगे, महारत्न सुने होंगे, उस टाइप के, मिनी रत्न सुने होंगे, उस टाइप की सभी कंपनियां इस बाजार की हिस्सेदारी में शामिल होती है। तो इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है आरबीआई, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कमर्शियल बैंक, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड, इसमें पार्टिसिपेट करेगी अर्ध सरकारी निकाय। अर्ध सरकारी निकाय मतलब सहकारी बैंक भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सहकारी बैंक भी इसमें शामिल होते हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि इसमें बड़ी कंपनियों को भी मौका दिया जाता है, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की, और वो बड़ी कंपनियां बैंकों के माध्यम से अपने धन को बाजार में उपलब्ध कराती हैं। ये बड़ी कंपनियां बैंकों के माध्यम से अपने जो धन है वो बाजार में उपलब्ध करा सकती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत सरकार अगर पैसा जुटाना चाहती है तो फिर वो पैसे किस तरीके से जुटाएगी, वो पैसों की प्राप्ति किस तरीके से करती है। तो मुद्रा बाजार के हम इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, उपकरण देख रहे हैं कि मुद्रा बाजार में किस तरीके से पैसों को कलेक्ट किया जाता है, किस तरीके से जमा किया जाता है इस मुद्रा बाजार में। तो सबसे पहला इसमें है ट्रेजरी बिल, सबसे पहला इसमें ट्रेजरी बिल, जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति, इसका दूसरा नाम है डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति भी। ट्रेजरी बिल को हम डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति भी कहते हैं। ये तीन तरीके से आती है, 91 डेज के लिए, 182 डेज के लिए और 364 डेज के लिए। ये 91 दिनों की होती है, 182 डेज की होती है और 364 डेज की होती है। बिल्कुल इसमें सिडबी भी शामिल होती है, सिडबी भी शामिल हो सकती है, लेकिन सिडबी को कोई बैंक पैसों की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि उसे अगर चाहिए पैसा तो वो आरबीआई से मांग सकता है, सरकार को इसमें पैसों की जरूरत पड़ती है। फिर इसमें दूसरा है दिनांकित प्रतिभूतियां, डेटेड सिक्योरिटीज। डेटेड मतलब एक निश्चित तारीख पर, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, इन पर यह ऋण मिलता है, पर कुछ समय से इसे जारी नहीं किया जा रहा है। अब भारत सरकार अपने जितने भी अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है वो ट्रेजरी बिल से करती है। तो मोस्टली अगर आप आरबीआई की वेबसाइट पर देखेंगे तो ट्रेजरी बिल पर ही पैसों की उगाही हो रही है। तो आइए समझते हैं ये ट्रेजरी बिल क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रेजरी बिल। अगर हम बात करें इसमें ट्रेजरी बिल की, तो ट्रेजरी बिल का मतलब होगा डिस्काउंट पर, छूट पर खरीदी गई सरकारी प्रतिभूति, खरीदी गई सरकारी प्रतिभूति। समझते इसे पूरा कहानी के रूप में। जैसे मान लो कि भारत सरकार को पैसों की जरूरत है, कल्पना करते हैं कि भारत सरकार को 500 करोड़ रुपए चाहिए। अब 500 करोड़ रुपए अगर चाहिए तो वह बाजार से ऋण के रूप में ले सकती है। बाजार से मतलब वो बैंकों से ऋण के रूप में लेगी, तो वह बैंकों से डायरेक्ट नहीं कहेगी, वह आरबीआई से कहेगी कि 500 करोड़ के ट्रेजरी बिल जारी करिए। तो ये जो ट्रेजरी बिल होता है, मान लो कि ये 100 करोड़ का ट्रेजरी बिल है, तो इस 100 करोड़ के ट्रेजरी बिल को हम कहते हैं कि ये अंकित मूल्य है, पर इसे जो बेचा जाता है मिनिमम 12% का डिस्काउंट दिया जाता है वर्तमान में, तो लगभग 87.5 करोड़ रुपीज में इसे बेचा जाएगा।
तो कोई भी बैंक वाला सोचो ना कि 100 करोड़ रुपए दे रहा है और मान लेते हैं कि 6 महीने का, 3 महीने का या फिर 12 महीने से कम, मतलब 364 दिन का ट्रेजरी बिल ले रहा है, तो 364 दिनों में वह 87.5 करोड़ रुपए में खरीदेगा, लेकिन जब लौटाने जाएगा तो आरबीआई उसे टोटल 100 करोड़ रुपए देगा, तो इसका मतलब 87.5 करोड़ पर उसे 12.5 करोड़ का बेनिफिट हो जाएगा। सिंपल सी अगर हम इसमें बात करें तो डिस्काउंटेड प्राइस पर यह मिलता है, और डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलने के बाद जब आप इसे लौटाने जाते हैं तो आपको वही कीमत मिलती है जो उस पर मेंशन थी। तो एक सिंपल सी बात अगर आप यहां समझना चाहें तो ट्रेजरी बिल डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति है जो 91, 182, 364 दिनों के लिए जारी की जाती हैं। इस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, डिस्काउंट दिया जाता है। जनरली यह 100 करोड़ की अगर हुई तो 12.5% तक का डिस्काउंट, इसमें 7.5 से 12.5% तक इस तरीके से बातचीत चलती रहती है। तो ये जो डिस्काउंट होता है वो 7.5 से 12.5% के बीच में हो सकता है। हम इतना जरूर याद रखें कि ट्रेजरी बिल पर डिस्काउंटेड कीमत पर हम इसे परचेस करेंगे, और डिस्काउंटेड कीमत पर ये मिलने के कारण जब हम इसे लौटाएंगे तो हमें वह पर लौटाने पर वो कीमत देगा जो उस पर मेंशन थी। इसे कहते हैं अंकित मूल्य, और खरीदा था छूट कीमत पर। तो यहाँ पर बैंकें बड़ी तेजी से आगे आती हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही पैसा बढ़कर आएगा, सुरक्षित हैं हाथों में क्योंकि सरकार तो कहीं भाग नहीं सकती है, तो सुरक्षा के मापदंड बहुत अच्छे होने के कारण ट्रेजरी बिल को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में डिमांड रहती है। दूसरे होते हैं डेटेड सिक्योरिटीज़। डेटेड सिक्योरिटीज़ में अगर हम बात करें तो डेटेड सिक्योरिटीज़ में बस इतना ही अंतर आप ये कह सकते हैं कि डेटेड सिक्योरिटीज़ में क्या होगा, दिनांकित प्रतिभूतियों में क्या होगा, दिनांकित प्रतिभूतियों में बस डिस्काउंट ना होकर ब्याज मिलता है। इसका मतलब पहले तो सरकारी प्रतिभूति मतलब एक कागज का टुकड़ा है, कागज का एक टुकड़ा है, जैसे कि आपने स्टाम्प पेपर देखे होंगे और स्टाम्प पेपर पर भारत सरकार ने वचन दिया होगा कि मैं धारक को वचन देता हूँ कि मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा और यहाँ गवर्नर के साइन होंगे। तो ये जो सरकारी प्रतिभूति होती है इस पर अगर ब्याज मिले, इसका मतलब क्या होगा, मान लो कि 100 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूति मार्केट में लाई गई है, उसे किसी बैंक ने खरीदा तो खरीदने में 100 करोड़ रुपए दिए, लेकिन मान लो कि इस पर इंटरेस्ट होगा, मान लेते हैं कि 7% का इंटरेस्ट रेट है, तो 7% का अगर इस पर इंटरेस्ट रेट है तो जब भी वह मेच्योर होकर, मान लो 6 महीने की है, तो 6 महीने के बाद जब आप लौटाने जाएंगे तो उस 100 करोड़ पर 7% का इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस टाइप की सिचुएशन में जब भी हम बात करेंगे तो ब्याज मिलता है न कि डिस्काउंट, इसमें ब्याज मिलता है न कि डिस्काउंट। तो 100 करोड़ रुपए की सरकारी प्रतिभूति जब आप खरीदते हैं, परिपक्वता होने पर जब आप लौटाते हैं तो आपको इसमें इंटरेस्ट मिलता है। तो ट्रेजरी बिल जो डिस्काउंट कीमत पर बेचा जाएगी सरकारी प्रतिभूति, और दिनांकित प्रतिभूतियां जो होती हैं उस पर आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, इसे डेटेड सिक्योरिटीज भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो भारत सरकार अपनी अल्पावधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, इस प्रकार की बातचीत करती है। अब इसमें जैसे कि कुछ लोग सवाल के रूप में पूछ रहे हैं कि वी सेट नेटवर्क क्या होता है, तो वी सेट साइंस और टेक्नोलॉजी है और हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप जिस विषय को पढ़ रहे उसी के बारे में सोचिए, ऐसे मूर्खतापूर्ण चर्चा ना करिए प्लीज, क्योंकि ये बहुत ही गलत होगा ना कि आप किसी विषय से भटक कर चले जा रहे। हम इस पर बात कर रहे हैं, इस पर बातों को समझिएगा, तो हम इस पर चर्चा करते जो चल रहे हैं। संजीव धन्यवाद, संजीव का जो मैसेज है, धन्यवाद संजीव, पर इसे पूरा रेगुलर और क्लास को कंटिन्यू चलते दीजिए, क्योंकि जब तक आप इसे कंटिन्यूअसली नहीं देखेंगे यूपीएससी की तैयारी में एक फ्लो और एक जो हम कह सकते हैं कि मोमेंटम की जरूरत होती है, वो मोमेंटम आप हासिल नहीं कर सकते, इसलिए इसे कंटिन्यू जितना हो सकता है डेली देखते चलिएगा। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, मुद्रा बाजार शॉर्ट टर्म अवधि का बाजार है, यहां पर भारत के वित्तीय बाजारों से बहुत ही कम समय के लिए ऋणों का लेन देन थोक मात्रा में होता है, इसके पार्टिसिपेंट आरबीआई होती है, इसके पार्टिसिपेंट वाणिज्यिक बैंक होते हैं, इसके पार्टिसिपेंट बहुत सारी कंपनियां होती हैं,
और भारत सरकार आरबीआई के थ्रू इसमें ट्रेजरी बिल लाने के लिए कहती है, जिसे डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति कहते हैं, और दूसरी होती है दिनांकित प्रतिभूतियां। ट्रेजरी बिल पर आपको डिस्काउंट मिलता है और दिनांकित प्रतिभूतियों पर आपको, इसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि दिनांकित प्रतिभूतियों पर आपको ब्याज मिलता है। इसकी कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है, यह दिनांकित है, डेट इस पर लिखी होगी कि आज तारीख को यह जारी हुआ है तो इसके इस तारीख को हम ये मैच्योर करके वापिस लेंगे। तो ये सरकारी प्रतिभूतियां थी जो भारत सरकार आरबीआई से वसूल करती है, आरबीआई से प्राप्त करती है। आइए अब हम शुरुआत कर रहे हैं इसमें मुद्रा बाजार में। फिर दूसरे लोग भी तो हैं, जैसे मान लो आईसीआईसी बैंक भी है, एसबीआई भी है, प्राइवेट बैंक भी है, इनको भी तो पैसों की जरूरत पड़ सकती है, और बीमा वाली कंपनियों के पास तो पैसा कलेक्ट होता चला जा रहा है। तो बीमा वाले लोग, म्यूचुअल फंड वाले लोग इन पैसों को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, इसमें वह भेजते हैं। तो अगर एक सिंपल सी हम बात करें तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट एक नई चीज है, जिसे हम सीडी कहेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अंग्रेजी में, और कमर्शियल पेपर जिसे हम सीपी कहेंगे, कमर्शियल पेपर डिपॉजिट। तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट और कमर्शियल पेपर रिजर्व बैंक ने 1989 में लाए थे, और ये दोनों ही उपकरण इसलिए लाए गए थे ताकि बैंकों में आसानी से ऋण, बैंकों में आसानी से अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, अल्पावधि आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। बिल्कुल संजीव, कोई दिक्कत नहीं है, लगातार इसे आप देखते चलिएगा, और अभी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए सवाल पूछेगा, जो भी आपको डाउट लग रहा है वो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ। अब ऐसा नहीं हो कि कहीं मिक्स हो जाए, क्योंकि जब हम ज्योग्राफी लेंगे तो ज्योग्राफी के रूप में हम आपको समझाते हैं। आप देखिएगा मैं कभी विषयों को मिक्स नहीं करता हूँ, मैं हर जगह पर विषय बिल्कुल अलग अलग रखता हूँ। आइए हम चर्चा कर रहे हैं अब इसमें 1989 में आए थे डिपॉजिट सर्टिफिकेट और कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट दोनों के दोनों 1989 में आरबीआई ने जारी करने के लिए कहा था, और निवेशकों को अल्पावधि अधिशेष धन को अधिक लचीलापन देने के लिए पेश किया गया था। तो हम बात करेंगे कि ये सीडी क्या है और ये सीपी क्या है। अब हम इन पर चर्चा कर रहे हैं कि ये सीडी और सीपी होता क्या है। अब अगर हम बात करें तो सीडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पहले इसे समझ लेते हैं कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है। जमा के प्रमाण पत्र, हिंदी में हम इसे कहेंगे तो जमा के प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, मतलब जो शेड्यूल बैंक मैंने आपको बताए थे कमर्शियल, उनके द्वारा कई रुपयों में जारी किए जा सकते हैं, 25 लाख रुपए के न्यूनतम आकार के। मतलब समझे क्या आप इसे, ये 25 लाख रुपए की टर्मिनोलॉजी में, मतलब 25-25 लाख के रूप में जारी किए जाते हैं। मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए तो मिनिमम 25 लाख रुपए का ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होगा। अगर 1 करोड़ चाहिए तो मुझे ऐसे 4 सर्टिफिकेट दिए जाएंगे जो 25-25 लाख के होंगे। तो 25-25 लाख के मल्टीप्लाई में ये दिए जाते हैं, 25-25 लाख के मल्टीप्लाई में ये कागज तैयार होता है, और ये बैंकें जारी करती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा। जैसे कि भारत सरकार अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरबीआई से ट्रेजरी बिल और दिनांकित प्रतिभूतियां जारी करती हैं, वैसे बैंकें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन्हें जारी करते हैं। ये 25-25 लाख के मल्टीप्लाई में होते हैं, और मिनिमम 1 करोड़ तो मांगना पड़ेगा। मतलब इसके लिए आपको ऐसा नहीं होगा कि 25 लाख रुपए दे दीजिए, मिनिमम 1 करोड़ मांगने होंगे, उससे ज्यादा चल जाएंगे, लेकिन उससे कम की उधारी ये इसके द्वारा तो संभव नहीं होगी। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो 25 लाख के न्यूनतम आकार के अधीन होते हैं, और इनकी परिपक्वता 3 महीने से 1 वर्ष की होगी। सवाल है कि 3 महीने से 1 वर्ष की क्यों, 3 महीने से कम क्यों नहीं है? तो याद करिए, मैंने अभी आपको बताया था कि 1 दिन का अगर जरूरत है तो कॉल मनी के द्वारा फोन लगा दीजिए, अगर आपको 2 से 15 दिन का है तो नोटिस मनी के द्वारा मेल कर दीजिए, फोन लगा दीजिए, या फिर आपको लगता है कि 3 महीने तक के लिए चाहिए तो आप फोन लगा दीजिए, मेल कर दीजिए, ट्रांजेक्शन इंटरनेट के थ्रू करा दीजिए, फैक्स करा दीजिए। लेकिन अगर आपको 3 से ज्यादा महीनों की उधारी चाहिए तो फिर आपको उस बैंक को आपको जारी करना पड़ेंगे जमा के प्रमाण पत्र 3 महीने से 1 वर्ष के लिए होके, और यह डिस्काउंट पर दिए जाते हैं। बिल्कुल
यह ट्रेजरी बिल के जैसे ही हैं, पर यह बैंकों के द्वारा डिस्काउंट पर दिए जाते हैं, बैंकों के द्वारा डिस्काउंट पर दिए जाते हैं। और छूट कितनी होगी यह कोई आरबीआई तय नहीं करता है, यह छूट कितनी होगी यह कोई सेबी तय नहीं करता है, यह पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है कि बैंकें अपने स्टैंडर्ड के अनुसार, अपनी क्रेडिबिलिटी के अनुसार इस पर डिस्काउंट दे सकती है। तो ट्रेजरी बिल के जैसा ही होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चार बातें इसमें नोट करने जैसी हैं। सबसे पहला तो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 25 लाख रुपए के न्यूनतम आकार के और मिनिमम 1 करोड़ रुपए तक आप इसको जारी कर लेंगे। 3 महीने और 1 वर्ष के बीच में इसकी परिपक्वता होगी। छूट पर जारी किए जाते हैं, छूट पर जारी किए जाते हैं और छूट की जो रेट होगी वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। आदर्श पर फिर भी मैं चाहूंगा कि अभी हमें शिक्षक के रूप में देखा जाए। माना कि थोड़ा सा बुढ़ापा दिख रहा होगा, लेकिन अभी आप हमें एक शिक्षक के रूप में समझे। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जारी किए जाएंगे, छूट पर जारी किए जाएंगे। छूट का भी पूरी तरह से उन्हें फ्रीडम होगा। 3 से 1 वर्ष के बीच में ये मैच्योर होंगे। मिनिमम 25 लाख रुपए के मल्टीप्लाई में जारी किए जाते हैं और 1 करोड़ रुपए मिनिमम वसूली इससे करनी होती है। 1 करोड़ रुपए की इससे मिनिमम वसूली करनी होती है। 1 करोड़ रुपए की इससे मिनिमम वसूली की जाती है। तो अगर हम इसमें एक सिंपल सी बात करें तो अब आप इसमें क्या क्या बातें याद रख सकते हैं, तो मैं रिपीट कर दे रहा हूं। 3-4 बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला वाणिज्यिक बैंक, इसे मैं नोट करवाना इसलिए चाह रहा हूं क्योंकि शब्द पर ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव सवालों का सीधा मटेरियल है। 25 लाख के न्यूनतम आकार में, मतलब इसी मल्टीप्लाई में, न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के लिए जारी कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए के लिए जारी कर सकते हैं। परिपक्वता 3 महीने से 1 वर्ष के बीच में होगी। और आखिरी, ये छूट पर जारी किए जाते हैं और छूट की दर स्वतंत्र रूप से बैंकें तय करती हैं कि किस डिस्काउंट पर उन्हें जारी करना है। अब हम बात कर रहे हैं इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बाद सीपी की। सीपी कमर्शियल पेपर, सीपी मतलब कमर्शियल पेपर, हिंदी में हम बात करें तो वाणिज्यिक पत्र। अब ये कौन जारी करेगा इस मुद्रा बाजार में? एक सूचीबद्ध कंपनी, सबसे पहले तो एक कंपनी, कोई बैंक नहीं, सूचीबद्ध कंपनी जारी करती है जिसका शुद्ध मूल्य कम से कम 10 करोड़ है, जिसकी जो नेटवर्थ है वो 10 करोड़ की है और उसकी कार्यशील पूंजी की सीमा 25 करोड़ रुपए की है। 25 करोड़ रुपए तक की कार्यशील वर्किंग उसके पास इतना अमाउंट या उसकी संपत्ति टोटल देखी जाए तो इतनी होगी। वह 25 लाख के गुणक में, फिर से 25 लाख के मल्टीप्लाई में जारी करेगा और न्यूनतम आकार 1 करोड़ के होंगे, 1 करोड़ के होंगे। इनकी भी परिपक्वता 3 महीने से 6 महीने की होती है, पर इनकी परिपक्वता साल भर की नहीं है क्योंकि कंपनी द्वारा जारी कर रहे हैं। इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर कंपनी द्वारा जारी करने के कारण यहां रिस्क थोड़ा होगा। देखो, भारत सरकार भाग नहीं सकती है, बैंकें इतने जल्दी भाग नहीं सकती, लेकिन कंपनियां भाग सकती। और इसके उदाहरण आप लोग और हम लोग देख चुके हैं कि कौन कौन भारत से भाग चुका है। इस कारण से यहां रिस्क होता है, इसलिए इनकी मैच्योरिटी का टाइम पीरियड साल भर का ना होकर 3 से 6 महीने का है। सीपी जारी करने वाली कंपनी को रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एजेंसी से हर 6 महीने में रेटिंग दी जाती है और इसके माध्यम से ज्यादा 20% का ऋण ले सकती है। उसकी जितनी कार्यशील पूंजी है वो 25 करोड़ की है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा वो 5 करोड़ रुपए का ऋण इससे अर्जित कर सकती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूनतम 5 करोड़ तक का ऋण वो अर्जित कर सकती हैं अगर उसकी कार्यशील पूंजी 25 लाख की हो तो। बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि इस टाइप से अगर हम बात करें इसमें तो मुद्रा बाजार, अब समझना, मुद्रा बाजार में मैंने 4 चीजें बताई। भारत सरकार के द्वारा आरबीआई की मदद से ट्रेजरी बिल लाया गया, दिनांकित प्रतिभूतियां लाई गई, फिर तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा लाए गए 3 से 12 महीनों के लिए, और चौथा कमर्शियल पेपर जो कंपनियों के द्वारा, जिन्हें आरबीआई के द्वारा रेटिंग किया गया है,
जिनकी न्यूनतम हम कह सकते हैं कि नेट वर्थ संपत्ति 10 करोड़ की हैं, वे उधारी को प्राप्त कर सकते हैं। यह 3 से 6 महीने की मैच्योरिटी के लिए होते हैं। यहाँ कोई आम व्यक्ति भाग नहीं ले रहा है, यहाँ पर पूरे भारतीय वित्तीय बाजार के बड़े बड़े हम कह सकते हैं कि जो प्लेयर्स है, जो इसमें बैंकें हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो अगर हम बात करें तो मुद्रा बाजार में ये आखिरी बात होती है। वैसे मुद्रा बाजार में बैंकों को अगर पैसा चाहिए तो वो रेपो रेट और हम कह सकते हैं कि उसे अगर जमा भी करना है तो रिवर्स रेपो रेट या MSF, इनके द्वारा भी वह अपने पैसों को प्राप्त कर सकती हैं, बैंकें भी प्राप्त कर सकती हैं, या फिर RBI भी इस तरीके से पैसों की उगाही कर सकती हैं RRR के थ्रू। तो अगर एक सिंपल सी बात करें तो इसमें एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम कह सकते हैं कि RR RRR, इस प्रकार की बातचीत होगी। शुद्ध मूल्य और पूंजी में क्या, शुद्ध मूल्य का मतलब ये हुआ कि आज अगर उसे बेचने के लिए जाएंगे तो 10 करोड़ से कम में वह नहीं जा सकती हैं, और उसके टोटल जितने भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट देखे जाए और उसके बाद उसकी सारी संपत्ति जोड़ी जाए तो उसके पास वर्किंग कैपिटल 25 करोड़ का तो होता ही है। इस तरीके से हम उसे अंतर कह सकते हैं। अब मेरी बातों पर ध्यान देना, मुद्रा बाजार को मैं पूरा संक्षिप्त में बता रहा हूं, अगर आप इसको समझ पा रहे हो। मुद्रा बाजार बहुत कठिन शब्द लगता होगा अर्थव्यवस्था का, बहुत सिंपल सा, शॉर्ट टर्म की अवधि के लिए। तो अब मैं सारी बातों को रिवाइज कर दे रहा हूं। पहला, अल्प अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अल्प अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दूसरा, अल्प अवधि का तात्पर्य 364 दिन तक लेन देन पूरा हो जाएगा। तीसरा, असंगठित है, कोई ऑर्गेनाइज बॉडी नहीं है यहां पर। असंगठित का मतलब जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ऐसा कोई एक जगह नहीं है जहां पर इसका लेन देन होता हो, यह पूरे भारत में कहीं से भी किया जा सकता है। कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, हो सकता है चेन्नई वाला पैसा मुंबई से ला रहा हो, मुंबई वाला कलकत्ता से ला रहा हो, तो यह बिल्कुल अनऑर्गेनाइज्ड है, कोई ऐसा एक जगह नहीं है। जैसे ऑर्गेनाइज का मतलब यह समझिएगा कि अपने शहर में कोई एक मार्केट होता है जहां पर हम कपड़ा खरीदने के लिए जाएंगे, सामान खरीदने के लिए जाएंगे, तो हम कहेंगे कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, कि भाई वहां चले जाओ सब मिल जाएगा। ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इस कारण से हम कहेंगे कि इस प्रकार की बात जब भी आएगी तो असंगठित हैं, अव्यवस्थित हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इतना कुछ इसके नियमावली है, कुछ भी नहीं, अव्यवस्थित हैं। थोक बाजार है, बड़ी मात्रा में यहां पर पैसों का लेन देन होता है तो थोक बाजार है। यहां पर तरलता बहुत ज्यादा है, उस चीज को आप आसानी से पैसों में बदल सकते हैं, और रिस्क यहां पर कम होता है, रिस्क यहां पर कम होता है। फिर इसमें हमने जो शब्दावली देखी कि इसमें 3 प्रकार के शब्द होते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। कॉल मनी का मतलब यह होगा कि वह एक दिन से कम के लिए, नोटिस का मतलब होगा 2 से 15 दिनों के लिए और 2 से 14 दिनों के लिए, और 15 से 90 दिनों को कहते हैं टर्म मनी। और अगर इससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो इससे ज़्यादा अगर आपको अर्जित करना है तो ऐसी सिचुएशन में फिर आपको जारी करने पड़ सकते हैं ट्रेजरी बिल, या आपको जारी करनी पड़ेंगी दिनांकित प्रतिभूतियाँ। ये दिनांकित प्रतिभूतियाँ 7 दिनों की भी हो सकती हैं, ये दिनांकित प्रतिभूतियां कई टाइप की हो सकती हैं। ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो 91, 182 और 364 डेज के लिए। ट्रेजरी बिल की अगर हम अगली खासियत देखें तो ये छूट पर दी जाती हैं, लेकिन वसूल करते समय या वापिस होते समय अंकित मूल्य प्राप्त होता है। फिर दिनांकित प्रतिभूतियां अंकित मूल्य पर दी जाती हैं, लेकिन इस पर इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। ये दोनों ही भारत सरकार के लिए पैसों की उगाही करते हैं। लेकिन एक सिंपल सी बात याद रखना कि अब वर्तमान में ट्रेजरी बिल बहुत जारी किए जाते हैं दिनांकित प्रतिभूतियों की तुलना में। और फिर से अगर हम इसमें बात करें तो फिर हमने इसी में देखा है,
फिर इसी में हमने चर्चा की है दो कंसेप्ट की, एक तो था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी, जिसे हम कहते हैं जमा के प्रमाण पत्र, जमा के प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र, जमा के प्रमाण पत्र की अगर हम बात करें इसमें, तो जमा के प्रमाण पत्र में सबसे पहली बात थी कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, दूसरा वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा इसे जारी किए जाएंगे 3 से 12 महीनों के लिए, मतलब 364 दिनों के लिए, 90 से लेकर 91 से लेकर 364 दिनों के लिए। तीसरा छूट पर जारी किए जाते हैं, छूट पर जारी करते हैं, और छूट कितनी होगी वो फ्रीडम है पूरी तरह से। और चौथा अगर हम इसमें बात करें तो ये जो कमर्शियल पेपर हैं ये 1989 में शामिल किए गए थे आरबीआई के द्वारा। तो कमर्शियल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आप इतनी बातों को जरूर याद रखिएगा। फिर उसी टाइप में हम बात कर रहे हैं, मोनिका अभी हमारे साइंस और टेक तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप इकोनॉमिक्स को और ज्योग्राफी को पूरा कर लीजिए, क्योंकि अभी ज़रूरत है साइंस टेक से ज़्यादा इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की, क्योंकि ये दो विषय ऐसे कठिन विषय मैं मानता हूँ कि बहुत कंसेप्चुअल हैं। अगर यहाँ आप कोई किताब भी पढ़ लेंगे तो शायद आप इसको उतना समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है इन दोनों ही विषयों में। इस कारण से हमने जो शुरुआत की है वो इतने टिपिकल सब्जेक्ट से करवाई है। आप अगर इसको रेगुलर देख पा रहे होंगे तो यकीन मानिए बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इस विषय को कन्वर्ट करने की कोशिश की है, और आप लोगों को ये महसूस कराने की कोशिश की है कि ये विषय भी बहुत आसान है। क्योंकि इस विषय को सच में अगर आपने कभी किताबों से पढ़कर देखा होगा या ट्राई करके देखिएगा, आपको फील होगा कि सच में ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। और मुद्रा और बैंकिंग में तो शब्दावली इतनी ज़्यादा होती है कि विद्यार्थी पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। इसके लिए एक पूर्ण रूप से रिसर्च की जरूरत होती है। अगर आप एक अच्छी तरह से इस पर रिसर्च और चीज़ों को जमा कर पाए तो भी आप समझ पाएंगे। तो मोनिका अभी साइंस टेक और जनरल साइंस हम शुरुआत करेंगे सितंबर से। अभी मैं चाह रहा हूँ कि जुलाई और अगस्त में लगातार सीरीज वाइज ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स को बेटर तरीके से कवर करा दें, फिर साइंस और टेक पर हम चर्चा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो अभी इकोनॉमिक्स पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल आदर्श, ऐसे रेगुलर क्लास होगी, लाइव होगी, अब हमेशा ही लाइव होगी। पर मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो क्लासेस है उसके साथ साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। ऐसा ना सोचा करिए, जैसे कुछ लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सर पैसों की बात आ जाती है। देखो, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर की जरूरत होती है इस तैयारी में, क्योंकि ये कोई एक दिन की तैयारी या कक्षा दसवीं नहीं है। यहाँ पर आपको पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना है, तो साइकोलॉजी भी प्रेशर होना चाहिए, और इस कारण से होना चाहिए ताकि हम घर बैठ पर रेगुलर तब हो सकते हैं जब हम पर किसी प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव आ जाते हैं। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर मैंने चर्चा की थी। अब मैं आखिरी से एक छोटी सी बात और बता दूं, कमर्शियल पेपर, वाणिज्यिक पत्र। वाणिज्यिक पत्र का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले तो ये जारी किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, दूसरा कंपनी के बाद ये जारी किए जाते तो 3 और 6 महीनों के लिए, आरबीआई के द्वारा इन्हें रेटिंग कराया जाएगा या आरबीआई की कोई एजेंसी इन्हें रेटिंग करेगी। और अगर हम बात करें तो यह 25 लाख के गुणक में जारी होते हैं, मल्टीप्लाई में, और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए जारी करने होंगे, मिनिमम मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा के चल सकते हैं। और जो आखिरी बात यहाँ पर देखने जैसी होगी कि अगर हम इसमें पूरी तरह से बात करें तो न्यूनतम शुद्ध उसकी पूंजी 10 करोड़ की हो या उसकी वर्किंग कैपिटल 25 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो एक ही बार में अगर हम ध्यान से देखें तो इसे भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इतना टिपिकल सब्जेक्ट है कि इसे एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे 1-2 बार वीडियोस को देखते रहा करिए, डेली रिवाइज करा करिए। बिल्कुल, मैं लास्ट के आंसर भी डिस्कस कर सकता हूँ, मुझे आप सवाल भेज दीजिए, मैं लास्ट के आंसर को भी आज डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बातचीत होती है। तो ये था आपका मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार को मैं एक बार शॉर्ट में रिविजन करना चाहूँगा कि मुद्रा बाजार को हमने पूरी तरह से किस तरीके से जाना और समझा है।
तो आज हमने शुरुआत की है मुद्रा बाजार की। मुद्रा बाजार में अगर हम चर्चा करें तो मुद्रा बाजार अल्पकालिक धन के लिए एक बाजार है। हम अल्प अवधि को 364 दिन या उससे कम की अवधि के रूप में परिभाषित करते हैं। दूसरे शब्दों में उधार और चुकौती 364 दिन या उससे कम समय में होती हैं। यहाँ कॉल मनी का मतलब होगा एक दिन से कम, नोटिस मनी का होगा 2 से 14 दिन, टर्म मनी का मतलब होगा 15 से 90 दिनों के लिए। फिर उसमें हमने कहा कि बैंक के वित्तीय संस्थाएं, बिल दलाल, पैसों के डीलर, ये सभी असंगठित के द्वारा, सभी मतलब असंगठित का मतलब समझे ना, इसका कोई मार्केट एक जगह नहीं है जहां बेचा और खरीदा जा सके। अल्पकालिक वित्तीय साधनों पर मनी मार्केट में जाना जाएगा और थोक बाजार के रूप में इसे हम कहते हैं कि ये थोक बाजार हैं। इसके उपकरण क्या हैं? ट्रेड क्रेडिट, ये जो व्यापार क्रेडिट होता है ये भारत में नहीं चलता है, ये कई दूसरे देशों में व्यापार क्रेडिट आता है। कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, ट्रेजरी बिल और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट, मतलब डेटेड सिक्योरिटीज जो होती हैं, प्रकृति में अत्यधिक तरल नगद वाली हैं, बिल्कुल नगद के समतुल्य हैं और यही कारण है कि इनकी अवधि 1 वर्ष तक सीमित है। निवेश पर रिटर्न इसमें कम मिलता है लेकिन ये सुरक्षित है, इसमें रिस्क कम होता है। तो रिटर्न कम लेकिन रिस्क भी कम होता है, रिटर्न कम के साथ रिस्क भी कम है। मुद्रा बाजार एक अव्यवस्थित बाजार है, शब्दों पर ध्यान देना। इसलिए अव्यवस्थित इसलिए क्योंकि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई वाले किसी से भी कभी भी मुद्रा की प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कोई भी ऐसा लिमिटेशन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जहां हम सारी बातों को कह सके कि एक जगह पर सब कुछ व्यवस्थित होगा, कोई भी कहीं से भी धन की उगाही कर रहा है। फिर अगर हम इसमें बात करें तो इसलिए व्यापार को स्टॉक एक्सचेंज से अलग रखा गया है। फोन, ईमेल, फैक्स, ऑनलाइन, इनका उपयोग करके 2 पार्टियों के बीच में ओवर द काउंटर, इसे कहते हैं ओवर द काउंटर के द्वारा होता है। अल्पकालिक निधि के प्रचलन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। उद्योगों को उनकी कार्यशील पूंजी की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। कौन है इसके प्रतिभागी? तो इसमें RBI होगा, इसमें कमर्शियल बैंक होंगे, इसमें वित्त संस्थाओं में बीमा कंपनियां होगी, म्यूचुअल फंड्स होंगे, अर्ध सरकारी निकाय मतलब जैसे कि सहकारी बैंक भी होते हैं इसमें, बड़ी कंपनियां जैसे निजी भी हो सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हो सकती हैं। मुद्रा बाजार के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें पहला भारत सरकार RBI के द्वारा जो जारी किया जाता है वह होता है ट्रेजरी बिल, जिसे डिस्काउंटेड सरकारी प्रतिभूति भी कहते हैं। 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के लिए जारी किए जाते हैं, इतने दिनों के लिए जारी कर सकते हैं। साथ ही साथ दिनांकित प्रतिभूतियां होती हैं, यहाँ डिस्काउंट मिलता है और वापस जब आप खरीदने देने जाएंगे तो आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। लेकिन दिनांकित प्रतिभूतियां 100 करोड़ की है तो 100 करोड़ की होगी, जब उसका मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा तो आपको ब्याज मिल जाएगा, वो एक निश्चित हो सकता है। सरकारी प्रतिभूति मतलब एक कागज का टुकड़ा है जिस पर स्टैम्प लगा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि मैं धारक को वचन देता हूं कि इतने पैसे अदा करेंगे। डिपॉजिट सर्टिफिकेट, फिर हमने बात कही तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट और कमर्शियल पेपर ये नए इंस्ट्रूमेंट हैं जो 1989 में लाए गए थे। इन दोनों को मुद्रा बाजार के साधनों के रूप में शुरुआत की गई थी अल्पकालिक अधिशेष को बाजार में लाने के लिए। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यह न्यूनतम 1 करोड़ के लिए आएंगे, 25 लाख के गुणक में आएंगे, अनुसूचित बैंकों के द्वारा दिए जाते हैं, परिपक्वता 3 महीने से लेकर 1 वर्ष के बीच की होगी, छूट जारी की जाएगी मतलब एक छूट पर अंकित मूल्य पर छूट जारी की जाएगी और छूट कितनी होगी इसका निर्धारण बैंकों पर छोड़ दिया जाता है कि बैंकें क्या करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल उस पर भी आ जाते हैं कल के सवाल पर भी। तो कमर्शियल पेपर जिसका शुद्ध मूल्य न्यूनतम कंपनी के द्वारा जारी किए जाएंगे, जिनका शुद्ध मूल्य 100 करोड़ रुपए, उनकी कार्यशील पूंजी 25 करोड़ की हो, 25 लाख रुपए के मल्टीपल में और 1 करोड़ मिनिमम 1 करोड़ रुपए के लिए जारी किए जाएंगे, जिनकी परिपक्वता 3 महीनों से 6 महीने तक होती है और CP जारी करने वाली कंपनी को रिजर्व बैंक के द्वारा जो अनुमोदित एजेंसी है वो रेटिंग करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वह 20% कार्यशील पूंजी इससे वह प्राप्त कर सकती है। अब जैसे कि लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था वो मेरे पास आया है, मीट बथिया जी ने भेजा है मुझे कि बैंकिंग लोकपाल से आप क्या समझते हैं, आइए मैं उसे बता देता हूँ। बिल्कुल टिंकू, मैं आपके कमेंट्स भी देख रहा हूँ तो जितना ज़्यादा इसे आप कर सकते हैं कवर, सारी चीज़ों को कवर करते चलिए। अब मैं इसमें आपको एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, कल वाला जो आंसर था जैसे अभी सवाल आया है
कि कल आंसर जो मैंने लिखवाया था वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, किस तरीके से कल के आंसर का जवाब दिया जा सकता है। तो पहले तो मैंने कल एक सवाल दिया होगा वित्तीय समावेशन से, तो वित्तीय समावेशन वाला सवाल जो मैंने दिया था कि वित्तीय समावेशन से आप क्या समझते हैं तथा वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं। तो जैसे एक सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, वित्तीय समावेशन, तो पहले आपका उत्तर होना चाहिए कि वित्तीय समावेशन क्या। और मैंने ये समझाया था वित्तीय समावेशन से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसे अभी तक वित्तीय सुविधाएं वित्तीय सेवाएं प्राप्त नहीं थी उसे भी वित्तीय क्षेत्र में शामिल कर दिया जाए, वित्तीय समावेशन कहलाएगा। वित्तीय समावेशन में व्यक्ति को ऋण आसानी से मिलना चाहिए, उसको जमाएं करने की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसे बीमा की सुविधा मिलनी चाहिए, उसे निवेश के विकल्प मिलने चाहिए और यह सभी उससे बहुत ही कम दूरी पर और हम कह सकते हैं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, तब जाकर हम कहेंगे कि हमने ये वित्तीय समावेशन किया है। तो सबसे पहले हमने इस वित्तीय समावेशन को समझना चाहिए था कि वित्तीय समावेशन का मतलब क्या था, फिर क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए थे जो अभी तक उठाए गए हैं, तो सबसे पहले हम इसमें कह सकते हैं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं, तो क्या कदम उठाए जा सकते हैं इसमें पहला हम सलाह दे सकते हैं कि सबसे पहले ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में जहां बैंकिंग सुविधाएं नहीं है वहां बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाए। दूसरा, व्यक्ति भारतीय नागरिकों को व्यक्तियों को हम कह सकते हैं कि खाता खोलने के एवज आधार कार्ड के साथ ही खाता खुलवा दिया जाए कि आधार कार्ड बना तो खाता भी बन खुल गया आपका। तीसरा, यहां पर वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ाया जाए, ताकि वित्तीय साक्षरता जरूरी इसलिए है क्योंकि यदि वित्तीय साक्षरता नहीं रही तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपना नुकसान कर देते हैं, कई सिचुएशन ऐसी होती है कि वो अपना नुकसान कर बैठते हैं। टिंकू नोट्स नहीं होते मेरे कोई, मैं डेली इसके नोट्स, और मैं बता दूं सभी कुछ मैं डेली ही तैयार करता हूं, मैं डेली ही पढ़ता हूं, तब जाकर ये डेली का लेक्चर होता है। कोई भी शिक्षक अगर किसी विषय को बहुत अच्छी तरीके से करा पा रहा है वो तभी संभव होगा जब दिन प्रतिदिन उस विषय को पढ़कर वो उसके अंदर की बातों को और समझने की कोशिश करे। इसलिए नोट्स मैं कह सकता हूँ कि मेरे जो नोट्स है वो पिछले साल के अलग होंगे, इस साल के हर साल नया होगा, इसलिए नोट्स मैं जनरली नहीं कह सकता हूँ, पर आप वीडियोस को देखते चलिए तो आपको बहुत सारे नोट्स खुद बनाने हैं और इनको सबको लिखना भी सीखना है, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी सभी की। फिर वित्तीय साक्षरता के बाद हम चौथी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वित्तीय समावेशन के लिए जो दूरी का बहुत बड़ी समस्या है कि बैंकें दूर पर हैं उसको ख़त्म कराया जाए, इसके लिए ट्रिपल ट्री कंसेप्ट को अपनाया जा सकता है। इजी एफिशिएंट और हम कह सकते हैं इकोनॉमिक, मतलब सरल होना चाहिए, अच्छी दक्षता वाला होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, ऐसा कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई होना चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से वित्तीय समावेशन आ सकता है। फिर अगला कदम वित्तीय समावेशन में हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे जैसे कि स्मॉल बैंक हुए, पेमेंट बैंक हुए, इनका विस्तार किया जाए क्योंकि ये काम जल्दी और बहुत ही टेक्नोलॉजिकली पूरा कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में और असंगठित क्षेत्र में NBFC और MFI को भी विस्तारित किया जा सकता है। तो वित्तीय समावेशन के लिए अब हमारे पास इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हैं, बहुत सारे विकल्प हैं, इनके द्वारा हम वित्तीय समावेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की अगर हम एक सिंपल सी बात करें तो ये आज का ऑब्जेक्टिव टॉपिक था मुद्रा बाजार। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाना चाहिए, इसके नोट्स जरूर बनाइएगा क्योंकि मुद्रा बाजार कई किताबों में अगर आप पढ़ लेंगे तो भी शायद उतना आसानी से आप इसे समझ नहीं पाएंगे। मुद्रा बाजार को जितना ज़्यादा हो सके
पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल इसमें बहुत से कवर हो जाते हैं और एक बार में ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरा ये दावा है कि इस वीडियो में मैंने इतनी बारीकी से हर चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि आप एक बार में इसे समझ सकते हैं। मैं अगर एक सिंपल सी बात कहूँ तो इनके बाद हम नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट करेंगे कल आप इंतज़ार करिए पूंजी बाजार का। कल हम शुरुआत करेंगे पूंजी बाजार की और पूंजी बाजार के हम सारे पहलुओं को कल समझेंगे, तो कल का इंतज़ार करिए। कल पूंजी बाजार पर हम चर्चा करेंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि जो सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इसकी शुरुआत करें। हाँ, और ज़रूर कहेंगे कि कमेंट शेयर और लाइक करते चलिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। जैसे कुछ मेरे विद्यार्थियों ने कहा था कि सर हम शेयर नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपके जैसा टीचर सबके पास होगा तो अच्छा लगता है ऐसी बातों को सुनकर, पर शेयर करिए। इसलिए करिए क्योंकि जिन जिन लोगों के अंदर काबिलियत है, जो लोगों तक ये पहुँच सकता है, उनको बेनिफिट होगा। और यकीन मानिए इस पर जो अभी जैसे 32 से 35 40 लोग देख रहे थे, मैं चाहता हूँ कि एक समय ऐसा है कि 5000 6000 लोग लाइव देख रहे हैं और फिर मैं उन्हें इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊँ तो मुझे भी अंदर से बहुत सेटिस्फिकेशन होगा कि मैं इतना जो हार्डवर्क कर रहा हूँ वो 5000 10000 लोगों पर इम्पैक्ट डाल रहा है। इस कारण से हो सकता है फिर मैं अपने विषय को और भी समृद्ध करने का प्रयास करूँगा। बाकी आप पढ़ते चलिएगा, सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक हैं। बिल्कुल बायलिंगुअल में हम कोशिश निश्चित कर रहे हैं कि बायलिंगुअल में करें, पर फिर जब मैं बायलिंगुअल करने की कोशिश करता हूँ तो थोड़ा सा टाइम फिर कंसेप्ट में लग जाता है, लेकिन फिर भी हम बायलिंगुअल पूरी तरह से करेंगे। और आप कोशिश करिए कि इसके नोट्स बनाते चलिए। ये पीटी का ज़्यादा फैक्ट था, ये पीटी का ज़्यादा पॉइंट था, मेंस का जैसे कल वित्तीय समावेशन था, लेकिन ये पीटी ओरिएंटेशन होता है। बाकी इससे समझने के बाद आपको अब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि बैंकों में लेन देन कैसे होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड गुड डे।